आप लोग कैसे हो? द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था, जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि यहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था लू की वजह से, और कहते कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है यंग डायनेस्टी के लू, तो उसको यहाँ पे तब पोजीशन मिली थी जब यहाँ पे मेरे फादर एम्प्रेस मिसिंग थे, और यहाँ पे वो मेरे फादर के काफी अच्छे फ्रेंड भी थे। और जो मैन कैटो था अपने मन में कहता है कि यहाँ पे जो लू नाम है काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है, और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि जब पहला एक साल में मेरे फादर यहाँ पे मिसिंग हो चुके थे, तब यहाँ पे जो मेरा बड़ा भाई है उसने यहाँ पे गादी को संभालना था, पर जब यहाँ पे बारबरियन कंट्री के साथ गया था साउथ साइड में, तब यहाँ पे उसने किसी ने हमला कर दिया था और वो यहाँ पे मारा गया था। अब जब यहाँ पे मेरा दूसरा बदल ने यहाँ पे गद्दी संभाली थी, तब यहाँ पे जो ब्लैक सोल होल था उसने यहाँ पे साउथ साइड की बॉर्डर पे मेरे ब्रदर पे अटैक कर दिया था और उसको यहाँ पे पॉइजन करके मार दिया था, और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे गद्दी संभाली थी और मैं यहाँ पे एम्प्रेस बनी थी। तब मैं यहाँ पे 16 साल की थी, और यहाँ पे जो लू वालू था वो यहाँ पे वापस आ गया था गवर्नमेंट की बातों को कम्प्लीट करने के लिए, और वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना था, और यहाँ पे जो लीवर लीवर यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट से यहाँ पे आया था, और मैं यहाँ पे उसकी पावर नहीं देख सकती, पर यहाँ पे जो मेरा सीक्रेट था उसकी वजह से मैंने यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन बेस बढ़ा दिया और मैं यहाँ पे काफी ज्यादा टैलेंटेड हो गए, और 2 सालों के बाद मैं यहाँ पे 70 ऑर्डर अवेकनिंग रिलम पे पहुंच गई। पर मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट था एम्पीरियल पावर से लड़ने के, और जब मैं यहाँ पे 18 साल की हुई तो जो लू लू यहाँ पे मेरे पास आया और उसने कहा कि योर मैजेस्टी आपका अब यहाँ पे पॉइंट आ चुका है, और यहाँ पे जो मिनिस्टर डिपेंड के जो रूल हुए उससे हिसाब से आपको यहाँ पे शादी कर लेनी चाहिए, और कहने लगा कि आपको सबसे पहले कंसर्न कर लेना चाहिए कि आपको यहाँ पे रूल को फॉलो करना चाहिए। तो और मैंने कहा इसमें यहाँ पे क्या जल्दी है, पर यहाँ पे मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इससे मैंने जितनी भी पुरानी बुक उसको यहाँ पे ढूंढना शुरू कर दिया, और मुझे यहाँ पे जो समनिंग स्पेल यहाँ पे मिल गया, और फिर मैंने तुमको यहाँ पे समन कर दिया, और फिर यहाँ पे तुम मेरे हस्बैंड बन चुके, और यहाँ पे जो लुवलु है मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट खड़ी कर रहा है और यहाँ पे तुम्हारे लिए भी कर सकता है। और जो मैन कैटर अपने मन में कहता है कि यहाँ पे कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, उसने यहाँ पे मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे वो मुझे सीढ़ की तरह यूज करना नहीं चाहती, और अपने मन में सोचते कि यहाँ पे उसके पॉइंट से देखना जाए तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, और अगर यहाँ पे मुझे ऐसे सीढ़ की तरह यूज करना चाहती तो उसने यहाँ पे मुझे काफी पहले यहाँ पे निकाल दिया होता है। और जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोचती है कि अभी भी यहाँ पे डर रहा है, और फिर यहाँ पे कह दे कि मैं यहाँ पे थोड़ा जेलस हूँ लिवलो से, और मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं रूल को मारने के अलावा, तुम यहाँ पे नहीं चाहते तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ खड़ी होगी और मैं यहाँ पे तुमको प्रोटेक्शन दूंगी भले मैं अकेली हूँ, और मैं यहाँ पे यंग डायनेस्टी के लिए सोचती हूँ, और जो मेरे फादर और 2 भाई है उसने भी यहाँ पे यंग डायनेस्टी के लिए मार जा चुके, और फिर मैन कैटर होता है वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ, और वैसे भी यहाँ पे मैजेस्टी के प्रोटेक्शन के बाद ही यहाँ पे कौन के बंदे में इतनी ताकत होगी कि जो यहाँ पे मुझे मारने की कोशिश करेगा, और वो सुनने के बाद जो लिवोली और लिव होती वो कहती है अगर तुमने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बातें सुन ली तो यहाँ पे अपना जो गुस्सा उस पर काबू में रखना, और गुस्सा होकर यहाँ पे काउंट के लोगों को और प्राइम मिनिस्टर को मार मत देना, और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती वो कहती है मैं यहाँ पे नहीं चाहती तुम यहाँ पे सब करो, और यहाँ पे लू के पास काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुमको यहाँ पे कुछ भी करके हम पहुंचाने की कोशिश करेगा, और मैं सोचती हूँ यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सिविल सर्वेंट है पर वो काफी ज्यादा वियर्ड और यहाँ पे इसका डिफिकल्ट है, उसको उसका क्या रिल है उनको देखना, और मैं उसके साथ यहाँ पे यूजलेसली फाइट नहीं करना चाहती जब तक यहाँ पे कोई भी नेसेसरी बात ना हो। और यहाँ पे जो लिंक के फादर होते हैं वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी मैं यहाँ पे प्रिंस पे भरोसा करता हूँ, और यहाँ पे जो प्रिंस है काफी ज्यादा जीनियस है, और यहाँ पे उसके साथ डील करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, वो इतना आसान भी बंदा नहीं है, और मुझे पक्का पता है कि जो प्रिंस है यहाँ पे कुछ भी परेशानी में नहीं फंसने वाले। तो वो सुनने के बाद जो मैन कर अपने मन में कहता है क्या ये यहाँ पे मेरी तारीफ कर रहा है, और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, प्रिंस को यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, और यहाँ पे जो लू होती है वो भी कहते हैं कि प्रिंस अब यहाँ पे जो प्रिंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसमें, और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि यहाँ पे मेरे जो पापा उसने यहाँ पे कहा था यहाँ पे जो प्रिंस है उसको यहाँ पे इतना ज्यादा आसान भी नहीं है उनके साथ डील करना, और अपने मन में सोचते जो यहाँ पे प्रिंस है उसके साथ काफी ज्यादा हार्ड है उसके साथ डील करना, और यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहते हैं कि मैजेस्टी हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है लू को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए, और वैसे भी आपने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया और यहाँ पे जो नॉर्थ साइड की बैटल है उसको भी यहाँ पे जीत लिया, और यहाँ पे मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ कि यहाँ पे जो ओल्ड थिंक है
भी आपको यहाँ पे परेशान नहीं करेगा, और यहाँ पे जो लियू है वो भी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करेगा। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है, पर तभी भी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हूँ यहाँ पे काउंट की वजह से। और जो मैन कटर होता है वो कहता है, पर मैं यहाँ पे तुम पे भरोसा करता हूँ और मैं यहाँ पे क्यों डरूंगा, और वैसे भी तुम यहाँ पे मेरी वाइफ और एम्प्रेस हो जो यहाँ पे नॉर्थ साइड में रूल करती हो, और तुम तो यहाँ पे पीएलएस ब्यूटी भी हो जो यहाँ पे वर्ल्ड को रूल भी कर सकती है, और तुम यहाँ पे दिखने में भी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और मैं यहाँ पे किसी चीज से क्यों डरूं। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होते हैं वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है उनकी तारीफ सुनने के बाद, और वहां से जाने लगती है, और कहते कि तब तो तुम भी, और फिर कहते तो तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो गए यहाँ पे तुम करने वाले, तो मैं यहाँ पे तुमको कोई भी एडवाइस आगे नहीं दूंगी, और मैं यहाँ पे इतने दिनों से सिर्फ इस दिन के बारे में सोच रही थी, और यहाँ पे मैं मेंशन में वापस भी आ जाऊंगी, और जितने भी यहाँ पे काम है उसको भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। और जो मैन कटर अपने मन में सोचता है, क्या यहाँ पे तुम मेरे साथ तो फ्लर्ट नहीं कर सकती, पर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों ना करूँ, और अपने मन में कहता है इसको यहाँ पे कितनी ज्यादा जल्दी है यहाँ पे सारी बातों को निपटाने की। और फिर जो मेन कैरेक्टर लिंग और लुवोली होती है यहाँ पे रात को कहीं जा रहे होते हैं, और जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि हमको यहाँ पे कोई फॉलो कर रहा है, और जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है यहाँ पे कितना सिली और क्यूट है कि यहाँ पे मैं उस बंदे को डिस्कवर कर लिया, और ऐसा लग रहा है कि ये बंदा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भेजा हुआ है, यहाँ पे कोई एनिमी तो नहीं है, क्या मैं उसको यहाँ पे तरफ कुछ करने की कोशिश करूँ। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जाने लगता है, और यहाँ पे जो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिंग होती है उसको यहाँ पे निकाल देता है, और वो देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिंग है वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे जिसने यहाँ पे समन किया होता है उसमें यहाँ पे रोल कर सकता है, पर यहाँ पे उसने तो यहाँ पे रोल को भी चेंज कर दिया है, और अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट के कोई यहाँ पे समन है निकाल सकता है, पर यहाँ पे जो प्रिंस है काफी ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ पे कहते कि प्रिंस ये तो यहाँ पे तो जो तो वो सुनने के बाद जो मैन कटर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे कई बार खाना बनाता हूँ, और यहाँ पे खाना बनाने में मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं यहाँ पे कई बार उसके यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देता हूँ। और वो सुनने के बाद यहाँ पे जो लिंग है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, अपने मन में कहती है मैंने तुमसे यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशन के बारे में नहीं पूछा, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि तुमको इस बात को काफी ज्यादा लाइट ले रहे हो, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो ऐसा बिहेव कर रहे हो। और यहाँ पे जो लू होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड प्रिंस यहाँ पे जो मेजर जनरल यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूरियस है कि आप यहाँ पे जो सेव लेंगे उसको यहाँ पे रिमूव कैसे कर सकते हो और उसकी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अच्छा तुमने यहाँ पे देखा नहीं है तो मैं तुमको वापस करके दिखाता हूँ, और जो मेन कैरेक्टर वापस यहाँ पे रिंग निकालता है और वापस से लगा देता है, और कहता है कि वेल तो यहाँ पे काफी ज्यादा सिंपल है उसमें यहाँ पे कौन सी बड़ी बात है, और वो देखने के बाद यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे दोनों सोचते लगते हैं कि सारी बातें यहाँ पे प्रिंस के मुंह से निकली है सिर्फ यहाँ पे मजाक की बात है, और यहाँ पे जो बंदा होता है यहाँ पे उनका पीछा कर रहा होता है, और यहाँ फिर भागते भागते कहीं जाता है, और जो मैन कैरेक्टर उसको तो यहाँ पे पहले से ही पता होता है। और यार जो हमारा चैप्टर हो यहीं पे खत्म होता है, अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है, तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब तक गुड बाय और सायोनारा।